प्रकाश जी, पहला सवाल आपसे है, आप इस बगावत को किस तरह से देखते हैं, कितनी घातक है ऐसे माहौल में, खासतौर पर जब बीजेपी के लिए एक के बाद एक खराब खबरें ही आने का सिलसिला बना हुआ है? अभी बीजेपी की अगली सूची आने दीजिए, उसके बाद ये बगावत और भी बढ़ के देखने को मिलेगी। इसका कारण यह है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि वे तो ऊंचे पदों पर थे। इसके अलावा एक और बात हुई, वो ये कि जो लोग वहां से टिकट की आस लगाए हुए थे वे निराश हो गए, और उन्हें ये लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा है। जरा याद कीजिए हिमाचल प्रदेश में, जहां एक उम्मीदवार विद्रोही बनकर खड़ा हुआ था विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसे फोन किया और उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई खबर नहीं कि नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हो, लेकिन लोग जो नेता हैं जिन्हें अपेक्षा है कि उनके भाग्य फिरेंगे, उनके दिन फिरेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा, वो नहीं हो पा रहा। जो अभी 7 सांसद मंत्री, 4 सांसद और 3 मंत्री मैदान में है, ये भी चर्चा है कि अभी 4 और सांसदों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है, यानी अगर 4 सांसद और आ गए तो बीजेपी के कुल 11 सीटें ऐसी होगी जहां लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य उम्मीदवार होंगे। तो इसमें एक और दिक्कत है, अब ये जो जब लोग आएंगे मैदान में, तो सिंधिया के समर्थक राज्य मंत्री बजन सिंह यादव का टिकट कटने की बात है, मुंगावली सीट से केपी यादव को उतारने की तैयारी ऐसा कहा जा रहा है, और जो चर्चाएं उसके मुताबिक बुरी तरह से असंतोष पार्टी में देखने को मिल रहा है। एक लंबी सूची देखने को मिलती है, रोज ही हम देख सकते हैं कि कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई नगर निगम का पदाधिकारी है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, लगातार लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, और अधिकांश लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ लोग आप में भी जा रहे हैं। ऐसा अभी चाचोड़ा की बीजेपी की एक नेता ने आप ज्वाइन कर ली है, और आपका तो स्पष्ट है कि जो भी हमें टिकट दे, जो भी असंतुष्ट है हमारी पार्टी में आए, हम उसे टिकट देंगे, तो आपकी ये पॉलिसी। तो बीजेपी के साथ चिंता यह है कि वो क्या क्या करे। जहां जहां बीजेपी ने अपने विधायकों को या अपने नेताओं के पत्ते काट के सांसदों को टिकट दिया है, जैसे सीधी में केदारनाथ शुक्ल विधायक थे जिनका नाम पेशाब कांड में भी था, क्योंकि उनके सलाहकार या उनके सहयोगी थे जिन्होंने कांड किया, उनका पत्ता काट दिया और रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया। रीति पाठक संजय पाठक की पत्नी है, जो दल बदल चुके हैं, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, बड़े उद्योगपति हैं। तो अब वो केदारनाथ शुक्ल अपनी जगह बहुत पावरफुल नेता है बीजेपी के सीधे में, और विधानसभा क्षेत्र में तो उनकी अच्छी चलती है। सतना में एक उम्मीदवार है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैहर में सिंधिया समर्थक को टिकट दिया है, तो बीजेपी के लोग नाराज हैं कि दल बदलू को टिकट दिया है, तो जो लोग बरसों से काम कर रहे थे नाराज हैं। तो ये सारी नाराजगी मिलती जा रही है और काफी बड़े रूप में आ गई है, और जब नतीजा आएगा तो उसकी झलक हमें चुनाव पूर्व के सर्वेक्षणों में देखने को मिलती है। आज आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं वो तो है ही, उसके पहले के सर्वेक्षणों में भी ये बात सामने आई है कि बीजेपी के लिए रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि बीजेपी में इतना अंतर्विरोध, इतनी नाराजगी पहले कभी देखने को नहीं मिली, और इसी कारण बीजेपी बिखरी बिखरी लग रही है, टूटी हुई लग रही है, और इस टूटी फूटी पार्टी को लेकर चलना प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के बस की बात नहीं है। उनके खुद के प्रति लोगों में नाराजगी है। वीडी शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनको पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में विधानसभा टिकट के लायक पार्टी ने नहीं माना था, वो दो जगह से टिकट चाहते थे कि यहाँ से दे दो, यहाँ उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन किस्मत की उन्हें खजुराहो लोकसभा सीट से टिकट दिया गया और मोदी के नाम पे वो जीत गए। लेकिन अगर उन्हें टिकट दिया जाए तो लोग कहते हैं कि वीडी शर्मा को भी विधानसभा का टिकट दे दो, प्रदेश अध्यक्ष है, पता तो चलेगी उनकी हैसियत क्या। कुल मिला के बात है कि भाई आप सांसद बने थे बाबुल सुप्रियो की तरह, आप सांसद बने थे मोदी के नाम पर, बाबुल सुप्रियो मंत्री बने थे, अब आप अपनी इस हैसियत दिखाइए विधानसभा का चुनाव अपने बूते पर और कठिन सीट से जीत कर दिखाओ, ये चुनौती नेताओं
है जिसके कारण बहुत नाराज हो।